मागील 48 वर्षांपासून संत निरंकारी मंडळाच्या वतीने विविध सामाजिक कार्यक्रमांबरोबरच अध्यात्मावरही विशेष भर दिला जातो, जिथे येत्या काळात 22 जानेवारी ते 24 जानेवारी 2016 दरम्यान संत निरंकारी मंडळाच्या माध्यमातून 49व्या संत निरंकारी मिशनचा विशाल अध्यात्मिक मेळाव्याचे आयोजन खारघरच्या सेंट्रल पार्क जवळील सेक्टर 28 व 29 मधील मैदानावर आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाच्या अन्य भागांतूनही लाखोंच्या संख्येने भाविक तसेच भक्तगण सहभागी होणार आहेत। 3 दिवसीय या मेळाव्यात विविध अध्यात्मिक कार्यक्रमांचे तसेच प्रवचन देखील घेण्यात येणार आहे, जिथे येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खास उपाययोजना राबून त्यावर विशेष भर दिला जातो। या संदर्भातली सविस्तर माहिती बुधवारी एका पत्रकार परिषदेद्वारे देण्यात आली आहे। यहां खारघर में महाराष्ट्र का 49वां वार्षिक निरंकारी संत समागम होने जा रहा है। ये 22 जनवरी को शुरू होगा और 24 जनवरी तक 3 दिन का ये समागम है। इसमें हम लाखों की संख्या में महाराष्ट्र के हर भाग से, हर कोने कोने से यहाँ भक्तों का अपने स्वागत करेंगे, आएंगे, लाखों की गिनती में आएंगे। उनके लिए रहने का, ठहरने का प्रबंध किया गया है। जगात ज्या धार्मिक, जातीय, वर्ण, भाषा तसे सामाजिक आर्थिक स्तराच्या नावावर वाढलेले मतभेद लक्षात घेता वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ब्रिंगिंग ह्युमॅनिटी पीस बाय पीस हा या समागमचा मुख्य विषय असणार आहे। तसेच हुंडा विरहित विवाहांना चालना देण्याकरिता सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन 25 जानेवारी 2016 रोजी करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये जवळपास 150 अधिक जोडप्यांचा समावेश केला जाणार असल्याची माहिती कृपा सागर यांनी दिली। देखिए ऐसा है, पिछले 3 साल से, ये 3रा साल है यहाँ खार करके इस मैदान में, सिडको ग्राउंड में ये समागम होने जा रहा है। पिछले 2 साल में हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। ये 70 एकड़ तक फैला हुआ है और जितने भी भक्त यहाँ आते हैं वो उनको हम अकोमोडेट कर पाते हैं। और फिर एक भावना यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि किसी को अगर मान लो इनकन्वीनियंस भी होती है तो वो शिकायत नहीं करता है। यहाँ सब मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के स्पिरिट से आते हैं और उसी भाव से यहाँ रहते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सह स्वप्नाली देसाई यांचा रिपोर्ट।